अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दरगाह की ज़्यारत करवाने वाले हैं जिस दरगाह पर जहरीले सांप और बिच्छू नहीं काटते बल्कि इंसानों से मोहब्बत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर के आ चुके हैं अमरोहा की अजीम हस्ती की बारगाह में। दोस्तों, सैयद शरफुद्दीन साहब विलायत रहमतुल्ला अली की दरगाह मुबारक पर दोस्तों यहां पर उर्स चल रहा है और हर साल की तरह इस साल भी उर्स का आगाज़ हो चुका है। इस यूपी के अमरोहा में हज़रत सैयद शाह विलायत रहमतुल्ला अली की दरगाह को लोग बिच्छू वाले मज़ार के नाम से भी जानते हैं। मज़ार की तारीख 800 साल पुरानी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहाँ मौजूद सैकड़ों जहरीले बिच्छू इंसानों को अपना दोस्त बना लेते हैं। मर्द हो या ख़वातीन, बच्चे हों या बुज़ुर्ग, बिच्छू हर किसी से दोस्त बन जाते हैं। यहाँ कदम कदम पर लाखों बिच्छू रेंगते हैं। मज़ार के कोने कोने में चारों तरफ बिच्छू की मौजूदगी किसी से छिपी नहीं रहती, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बिच्छू जहरीले नहीं होते। माना यह जाता है कि दरगाह के अंदर ये बिच्छू नहीं काटते, लेकिन बाहर निकलते ही काट लेते हैं। दरअसल मान्यता यह है कि कोई इंसान इन बिच्छू को हफ्ते या 10 दिन के लिए बाबत से इजाज़त लेकर दरगाह से कहीं बाहर ले जाते हैं तो वो उन्हें नहीं काटते, लेकिन तय मुद्दत में पूरी होते ही वो उसे तुरंत काट लेते हैं। लेकिन आज तक कभी भी यहाँ आए किसी भी इंसान को बिच्छू ने डंक नहीं मारा है। मज़ार पर आने वाले अकीदतमंद बताते हैं कि मज़ार की आबोहया ही ऐसी है कि यहाँ आने पर किसी के भी जहन में मौजूद मफी और बुरे ख्यालात ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, ये ज़िंदा करामात है हज़रत सैयद शरफुद्दीन साहब विलायत रहमतुल्ला अली की दरगाह मुबारक पर, जिसे देखकर दुनिया हैरान है। और लगभग 800 साल से चली आ रही ये करामात, साइंस भी इस करामात को देखकर हैरान है। तो दोस्तों, अब आपको इस वीडियो में हम आपको हज़रत सैयद शरफुद्दीन साहब विलायत साहब के उर्स का माहौल और लोगों की हाज़िरी और ज़ायरीन किस प्रकार से दरगाह पर आए हैं पूरा लाइव माहौल आपको दिखाएंगे। तो इस वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दवाई वाई चल रही है, पान मत खा जो चाहते शरफुद्दीन सावलत जी उधर वाले हैं, इधर जी बोलिए।